हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के फोर इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। ओके, चलो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ क्या निकलता है। मेरे को गिवन दैट क्या दिया हुआ है भाई, एफ ओफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के वन एक्स स्क्वायर प्लस के फोर, सो दैट एफ ओफ जेड की वैल्यू जो निकल करके आएगी जब एक्स को जेड से रिप्लेस करूँगा, एफ ओफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकलेगी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के वन और जेड स्क्वायर प्लस के फोर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोज दैट नाउ वही पुराना मेथड कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ओके, वेयर लिखता लिखता भी परेशान हो चुका यार मैं। सी जे क्लोज्ड कर्व कंटेनिंग गामा। ओके, ये मेरा रहा ग्राफ क्लोज कर्व का और ये हुआ मेरा गामा और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बनाना बहुत ज़रूरी है, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस माइनस के आर प्लस के आर। ओके, और विद क्या होगा, गामा विद मोड जेड इज इक्वल टू आर एंड आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, बहुत बड़ी रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, मोड जेड इजिक्वल टू आर लिया और आर इजिक्वल टू इन्फिनिटी है, ये मेरा गामा है और ये मेरा हुआ कर्व। नाउ सबसे पहले मैंने क्या यूज़ किया, लिमिट मोड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ जेड की वैल्यू देखी जो निकल करके आई लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के वन है जेड स्क्वायर प्लस के फोर है। ऊपर पावर थ्री है, नीचे जेड की टोटल पावर फोर है, जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे निकल जाएगा ज़ीरो। आप खुद भी समझ सकते हो, बच्चों वाली बात है। ओके, नाउ कर्व इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड इजिक्वल टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा सीधे का सीधा। एफ जेड डी जेड की वैल्यू भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ चुका ज़ीरो। नाउ अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं, बहुत आसान है यार, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको वही कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू के अंदर पोल्स निकाल करके ने के बाद उसके ऊपर रेजिड्यू, उससे पहले तो छोटी सी ये फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी होती है आपको। नाउ एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है ज़रा उसको देखो आप, एफ ऑफ जेड कितना है, एफ ऑफ जेड है मेरे पास जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के वन जेड स्क्वायर प्लस के फोर, यही है ना फंक्शन ऑफ जेड। अब मैं इसके पोल निकालूंगा और पोल निकालने के बाद इस क्वेश्चन को हल करूंगा और रिजल्ट्स देखता हूं कहां क्या आता है। पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड, आपको पता है कि पोल निकालने के लिए जो फंक्शन का हर वाला पार्ट है उसको ज़ीरो के बराबर रखना होता है। ओके, तो जब मैं इसके पोल निकालूंगा कितना निकल करके आएगा भाई, जेड स्क्वायर प्लस के वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस के फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, जेड स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट के अंदर आयोटा स्क्वायर। अगर अभी भी डाउट है रुको एक बार, इसको लिख सकता हूँ मैं जेड स्क्वायर माइनस आयोटा का कंप्लीट स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं जेड स्क्वायर माइनस
टू आयोटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस के बी ए प्लस के बी। इस फार्मूले का मैंने यूज़ किया और यहाँ से रिजल्ट निकल करके कितना आया भाई, एक तो जेड प्लस आयोटा निकला, जेड माइनस आयोटा निकला, जेड प्लस के टू आयोटा निकला, जेड माइनस के टू आयोटा निकला बराबर ज़ीरो। जेड की चार वैल्यू निकली, जेड इज इक्वल टू निकला प्लस माइनस आयोटा और जेड इज इक्वल टू निकला प्लस माइनस टू आयोटा। अब ये मेरा कर्व है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, ये एक्स एक्सिस है ओरिजिन पॉइंट है वाई एक्सिस है, जेड इज इक्वल टू आयोटा यहाँ कहीं होगा सपोज दैट आयोटा, जेड इज इक्वल टू टू आयोटा यहाँ कहीं होगा टू आयोटा और जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस के टू आयोटा। इस कर्व से तो बाहर हैं गामा से, ओके ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था इससे तो बाहर है, तो मैं क्या कहूँगा जेड इज इक्वल टू आयोटा एंड जेड इज इक्वल टू टू आयोटा लाई इन कर्व सी, ये जो मेरा पूरा कर्व सी है एंड जेड इज इक्वल टू माइनस के आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस के टू आयोटा इज कहाँ है आउटसाइड है आउटसाइड ऑफ कर्व सी। नाउ सबसे पहले मैं एफ जेड देखूँगा, एफ ऑफ जेड है मेरे पास कितना भाई, ज़रा ध्यान से देखो ऊपर रखा हुआ है एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के वन है जेड स्क्वायर प्लस के फोर है, ओके। अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ और जेड की वैल्यू के बारे में कंसिडर करता हूँ क्या कुछ किया जा सकता है। एफ ऑफ जेड मेरे पास कितना है भाई, एफ ऑफ जेड को लिख सकता हूँ मैं जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको लिखा पोल की फॉर्म में, जेड प्लस के आयोटा जेड माइनस के आयोटा, अगला है जेड प्लस के टू आयोटा, उससे अगले वाला है जेड माइनस के टू आयोटा, क्लियर। नाउ रेजिड्यू निकालूंगा मैं जेड इज इक्वल टू आयोटा के ऊपर एंड जेड इज इक्वल टू टू आयोटा पर। नाउ रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा प्लस रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू टू आयोटा पर, ये देखो सिंपल पोल है, ओके। तो जेड इज इक्वल टू आयोटा पर रेजिड्यू क्या होगा भाई, रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा के ऊपर होगा रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा पर होगा क्या होगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा जेड माइनस आयोटा इंटू एफ जेड एंड रेजिड्यू जेड बराबर टू आयोटा पर क्या होगा भाई, फार्मूला बनेगा लिमिट जेड टेंडिंग टू 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 आयोटा जेड माइनस के टू आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड। सपोज दैट ये इक्वेशन वन है, दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करूँगा, पुटिंग दिस वैल्यू वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन तो मेरे पास कितना निकल करके आया भाई, रेजिड्यू पहले वाला रेजिड्यू निकल करके आया लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा जेड माइनस आयोटा इंटू एफ जेड प्लस दूसरा बना लिमिट जेड टेंडिंग टू टू आयोटा, ये हुआ जेड माइनस के टू आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड। वैल्यू डालता हूँ रिजल्ट निकालता हूँ ध्यान से देखना, ये बना मेरे पास पहले वाला, इधर तो रेजिड्यू चल ही रहा है भाई जेड इज इक्वल टू आयोटा प्लस जेड इज इक्वल टू टू आयोटा के ऊपर इज इक्वल टू, ये तो हुआ जेड माइनस के आयोटा गुणा एफ ऑफ जेड की वैल्यू है जेड स्क्वायर बटे जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा और जेड स्क्वायर प्लस के फोर कर दिया मैंने, ओके। ये देखो एफ ऑफ जेड की वैल्यू, इसको लिखा हुआ है मैंने सीधा सीधा।
एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है, प्लस आगे इसको मैंने लिखा जेड माइनस के टू आर उठा इंटू जेड स्क्वायर तो है ही, बटे पहले वाली वैल्यू को लिख दिया मैंने जेड स्क्वायर प्लस के वन, और दूसरे वाली को लिखा जेड माइनस के टू आर उठा और जेड प्लस के टू आर उठा। क्लियर, समझ आती है मेरी बात? ये देखो अब यहाँ से आगे की तरफ चलूँगा, अगले वाला रिजल्ट निकालूंगा, तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया आयोटा सतो आयोटा कैंसिल, रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा प्लस रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू टू आयोटा पर रिजल्ट कितना निकला, ध्यान से सुनना है। लिमिट क्या है भाई? लिमिट है जेड टेंडिंग टू कितना है, आयोटा है, और यहाँ लिमिट है z टेंडिंग टू टू आयोटा, ऊपर लिखी हुई है लिमिट आपके सामने है। तो एक बार मैं इसको लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा है, यहाँ हुआ z स्क्वायर बटे z प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस के फोर प्लस लिमिट z टेंडिंग टू कितने आयोटा है, टू आयोटा है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर प्लस वन, और अगला निकला जेड प्लस के टू आयोटा। मैंने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद मैं रिजल्ट देखता हूँ कितना आता है। ये निकला इधर रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा प्लस रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू टू आयोटा इज इक्वल टू जेड की वैल्यू डाली, ये तो हुआ आयोटा स्क्वायर बटे एक आयोटा, ये हुआ टू आयोटा, और यहाँ हुआ आयोटा स्क्वायर प्लस के फोर प्लस जेड की वैल्यू डाली, ये हुआ टू आयोटा का स्क्वायर बटे, ये जेड की वैल्यू डाली टू आयोटा, टू आयोटा स्क्वायर प्लस के वन, और जेड की वैल्यू टू आयोटा प्लस के टू आयोटा। ओके, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बच्चों वाली बात है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये कितना निकलेगा भाई, ध्यान से देखना है आपको। ऊपर तो निकला आयोटा स्क्वायर बटे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के वन प्लस के तीन, माइनस के वन प्लस के चार, तीन दूनी छः, ये हुआ छः आयोटा, प्लस के चार इंटू आयोटा स्क्वायर बटे, ये हुआ मेरे पास चार आयोटा, तो ये निकल गया, गुणा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई, माइनस के वन यानी माइनस के चार प्लस के तीन, कितना निकल गया भाई, माइनस के तीन। अब मैंने क्या किया, ऊपर गुणा आयोटा किया, नीचे गुणा आयोटा किया, यहाँ भी आयोटा से गुणा, यहाँ भी आयोटा से गुणा, आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर से ये कैंसिल, एक तो निकला आयोटा अपॉन सिक्स, यहाँ देखता हूँ बेटा, एक आयोटा ये कैंसिल, ऊपर कितना निकला, ऊपर कितना निकला, माइनस के फोर आयोटा बटे बारह। क्लियर, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद आप देखो या ना देखो, बारह एलसीएम लेने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये निकलेगा माइनस आयोटा अपॉन सिक्स, सॉल्व करो या ना करो यही निकल करके आएगा, दोनों को सॉल्व कर लो। नाउ कर्व इंटीग्रेशन, एफ जेड डी जेड की वैल्यू कितनी होती है, टू पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, तो कितना निकल जाएगा यहाँ से भाई, रिजल्ट जो निकल करके आएगा कितना निकलेगा, कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू निकली एफ जेड इंटू डी जेड टू पाई आयोटा गुणा सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू आयोटा अपॉन सिक्स, इससे ये ख़त्म, इससे ये पॉजिटिव हो जाएगा, कितना निकला, निकल गया पाई अपॉन थ्री, आपके सामने है भाई, थ्री आ जाएगा, आयोटा आयोटा पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ भाई थ्योरम, थ्योरम होती है कर्व इंटीग्रेशन, एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू
गामा एफ एक्स डी एक्स एफ जेड डी जेड प्लस माइनस आर से आर तक एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ जेड डी जेड की वैल्यू, कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू डाली मैंने, ये तो है पाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू, ये हमेशा ज़ीरो आती है, प्लस माइनस के आर से लेकर पॉजिटिव आर तक एफ एक्स की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस के फोर, आर को लेकर के क्या मैं इन्फिनिटी, ये निकल कर के आया पाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के वन, एक्स स्क्वायर प्लस के फोर। और मेरे ख़्याल से यही मेरा रिजल्ट था, यही मेरे को प्रूफ करना था। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।